हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, बया हमारी चिड़िया रानी। तो बया क्या होती है? एक पक्षी है, यानी एक चिड़िया का नाम है बया। तो यहाँ जो पोयम है वो महादेवी वर्मा जी ने लिखी है और ये यहाँ बच्चे बोल रहे हैं, बया हमारी चिड़िया रानी। यानी बच्चे कह रहे हैं बया क्या है? हमारी चिड़िया रानी। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, बया हमारी चिड़िया रानी। तो देखिए इन लाइनों का मतलब क्या है। तिनके लाकर महल बनाती, तो बया जो है वो क्या करती है? तिनके लाला कर अपना घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला इतना सुंदर बनाती है जैसे कोई महल हो, यानी महल के जैसा सुंदर घर बनाती है। ऊंची डालों पर लटकाती, और वो अपना घर कहाँ बनाती है? पेड़ों की डालों पर, ऊंची ऊंची डालों पर। खेतों से फिर दाना लाती है, फिर वो क्या करती है? खेतों से दाना यानी अन्न, अनाज लेकर आती है जो भी उसे मिलता है। नदियों से भर लाती पानी, और नदियों से क्या लाती है? पानी भरकर चोंच में लेकर आती है बया हमारी चिड़िया रानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा पानी, बया हमारी चिड़िया रानी। अब देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, तुझको दूर ना जाने देंगे, यानी वो कह रहे हैं कि चिड़िया रानी हम तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, यानी तुम कहीं और ना चले जाओ, इसलिए हम क्या करेंगे, आंगन में ही अनाज डाल देंगे तुम्हारे लिए, और हौज में भर देंगे पानी। हौज क्या होता है? एक बड़ा सा पानी भरने के लिए स्थान बना दिया जाता है, टैंक टाइप, तो उसे बोलते हैं हम हौज। तो हौज में बच्चे क्या कह रहे हैं? हम हौज में पानी भर देंगे, मीठा मीठा पानी, यानी मीठा मीठा पानी भर देंगे, जिससे तुम्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा बया हमारी चिड़िया रानी। फिर अंडे से एगी तू, जब निकलेंगे नन्हे बच्चे, तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी, बया हमारी चिड़िया रानी। अब बच्चे आगे क्या कह रहे हैं? फिर अंडे से एगी तू, जब सेगी मतलब जब वो चिड़िया अंडों पर बैठती है तब उसमें से क्या निकलते हैं? बच्चे, ठीक है। तो जब चिड़िया क्या करेगी? अंडे से येगी, निकलेंगे नन्हे बच्चे, तब उसमें से क्या होगा? छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकलेंगे, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। यानी बच्चे कह रहे हैं कि हम आकर वहाँ पर बारी बारी से उनकी देखभाल कर लेंगे, यानी बया के बच्चों की देखभाल कर लेंगे, बया हमारी चिड़िया रानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे हम, तब तेरे पास रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। तो अब बच्चे कह रहे हैं फिर जब उनके पर निकलेंगे, यानी जब जो नन्हे बच्चे हैं बया के वो बड़े हो जाएंगे तो उनके क्या निकलेंगे? पर निकल जाएंगे। और जब चिड़िया के बच्चों के पर निकलते हैं तो वो क्या करेंगे? उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, यानी वो बड़ी बया बन जाएंगी दूसरी, और वो बया बनकर उड़ जाएंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, यानी हम, यानी बच्चे कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारे बच्चे क्या हैं, उड़कर चले जाएं, लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तू रोना मत चिड़िया रानी। तो बच्चों के चले जाने पर तुम रोना मत, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, बया हमारी चिड़िया रानी। सो आप इस पोयम को, बहुत प्यारी सी पोयम है छोटी सी चिड़िया रानी की, तो आप इसको पढ़ें और इसको
याद करें, इसकी वन वन स्टेंजा करके आप इसको लाइन टू लाइन हिंदी में बोलना याद करें।